कुलभूषण जाधव साहब हैं जो कि भारतीय सेना के नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, पाकिस्तान में उन्हें कैद कर लिया गया रॉ का जासूस बताकर, और अब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कुछ स्टैंड भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लेना चाहती है, आप क्या कहते हो इस पर? मेरी सिर्फ दरख्वास्त हमारे सरकार से है कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। सच बोलने वालों का अगर मुंह बंद कर दिया जाएगा तो सच कोई भी नहीं बोलेगा। तो कुलभूषण जी को आज़ाद किया जाए। वो सिर्फ अब सिर्फ कुलभूषण नहीं रह गए, वो हिंदुस्तान की एक इज्जत बन गए। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि वो ज़रूर इस बात पे ध्यान दें और उन्हें माफ़ कर दिया जाए और इंडिया वापस बुलाया जाए। अच्छा, अगर फिल्म होती तो रानी सच में सर्जिकल स्ट्राइक करने पहुँच जाती कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए? बिल्कुल पहुँच जाती। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, जो रियल लाइफ में हम नहीं बोल पाते हैं, वो हम फिल्मों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत चंद कुछ फिल्में आती हैं जो कुछ बहुत अच्छे मैसेज देके जाती है, तो उनमें से इलाहाबाद से इस्लामाबाद है। अगर दोबारा भी मुझे वापस ऐसा कोई सब्जेक्ट करने को मिलेगा जिसमें इस तरह का मुद्दा उठाया जाएगा, जिस तरह से खाने को लेकर भी एक वीडियो वायरल हुआ था फौजियों को लेकर खाना वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, अगर इस पे सब्जेक्ट मुझे करने को मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी। ये तो गलत है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और अभी हम लोगों ने छोटी सी मीटिंग भी की थी और इसको बड़ा आंदोलन का रूप देने वाले हैं कि कुलभूषण जाधव जी को किसी भी हाल में स्वदेश अपने भारत लौटाया जाए, और नहीं तो अगर पाकिस्तान इस पे तैयार नहीं होता है तो जितने भी पाकिस्तानी कैदी हिंदुस्तान के जेलों में हैं उन्हें भी फांसी दी जाए। डेफिनेटली उन लोगों को रहना चाहिए। और एक और क्या, अगर कुलभूषण यादव को नहीं छोड़ते हैं तो बार 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 सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। मैं यही फील करती हूँ कि लॉट ऑफ टाइम्स जब हम गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है एट टाइम्स, बट कई बार ऐसा होता है कि कई इनोसेंट लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सच का पड़ताला सही तरीके से कीजिए। इसमें अगर कहीं इनोसेंट व्यक्ति की मतलब उनको अगर रियायत नहीं जाए, वो शिकार ना हो, यही मैं प्रे करती हूँ और चाहूँगी कि एक फेयर लॉ हो जिसमें ये जेन्युइन लेवल पे एक तहकीकात हो और उसके बाद में ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उनकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। हो सकता है कि वो जेन्युइन हो और हम जेन्युइन पर्संस को अगर चढ़ा दें तो वो सबसे बड़ा घात होगा। सो जो भी है, अगर वो दंड के पात्र है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो दंड के पात्र नहीं है तो उनको रियायत मिलनी चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।